जय हिंद दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन करना शुरू किए थे और जो कि दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जितने हम करा रहे हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, यानी कि समझिए कि वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है प्राचीन स्थापत्य कला से इस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया गया था, तो वो है दोस्तों वेसर शैली। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये कहाँ है दोस्तों? ये माउंट आबू में है जो कि अरावली पर्वत पर है। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात सूर्य मंदिर निर्मित है कोणार्क में। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है, यह है दोस्तों गुप्त काल है। आगे क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक डैस राज्य में है, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, वो है दोस्तों कैलाश मंदिर एलोरा का है। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा तो कुषाण काल के दौरान। अगला क्वेश्चन कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है तो भीमबेटका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं डैस जिले में स्थित है, वो दोस्तों सोनभद्र जिले में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी, हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था। क्या निकलता? मस्तूल निकलता, जिसे कहते हैं दोस्तों यष्टि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, वो गर्भगृह में दोस्तों, उसे कहते हैं गर्भगृह। अगला क्वेश्चन है, एक डैस में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है, वो उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन है, कुछ कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य है। आगे क्वेश्चन है कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैस के शासक धंग देव द्वारा लगभग 999 सी यानी कॉमन एरा में कराया गया था, वह चंदेल राजवंश के शासक जो थे वही करवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है, वह महाबोधि मंदिर। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है तो राजा नरसिंह प्रथम को दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा जाता था तो कोणार्क मंदिर को कहा जाता था। कोणार्क सूर्य मंदिर डैस में स्थित है, ये ओडिशा में है, ओडिशा राज्य में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है, वो महाराष्ट्र राज्य में है। खजुराहो का भव्य मंदिर डैस शासकों द्वारा बनवाया गया था तो चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के डैस को उजागर करता है तो नागर शैली को करता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन, भारत के डैस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है तो महाराष्ट्र में है। आगे क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो डैस राज्य में तो महाराष्ट्र में है। वृद्धेश्वर मंदिर भारत के डैस राज्य में, ये भी कहाँ दोस्तों? ये तमिलनाडु में दोस्तों। डैस मंदिर निर्माण राजराजा चोल द्वारा कराया गया था तो वृद्धेश्वर। आगे क्वेश्चन है,
कंदरिया महादेव मंदिर डय समूह से संबंधित है, ये खजुराहो मंदिर से संबंधित है दोस्तों। मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कुंदगिरी प्रसिद्ध है, वो है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर डैश प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तो भित्ति की है दोस्तों। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए। आगे क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था, तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। श्री लिंगराज मंदिर डैश शहर में स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, मोढ़ेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था, तो सोलंकी राजवंश के द्वारा कराया गया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं डैश में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, तो उड़ीसा में दोस्तों। आई क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमेश्वर मूर्ति डैश से बनी है, तो ग्रेनाइट से बनी है। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता गुफाएं डैश स्थित है, तो औरंगाबाद में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्वार और संरक्षण का प्रमाण है, तो वो दोस्तों सांची स्तूप है। आई क्वेश्चन है, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, उसे हरमिका कहा जाता है। डैश का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, तो कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का। हिंदू मंदिर के डैश हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है, तो मंडप में होती है। अजंता गुफाएं दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है, भोपाल में। विख्यात सांची स्तूप डैश ने बनवाया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था। तंजावुर का डैश चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, त्रिवेणीदेश्वर मंदिर का करवाया था दोस्तों। सबरीमाला मंदिर कहाँ है दोस्तों, केरल में। चित्रकला की पटचित्र शैली डैश राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो उड़ीसा की। कामाख्या मंदिर डैश राज्य में है, तो ये असम में है दोस्तों। कामाख्या मंदिर कहाँ, असम में है। मुंबई के निकट एलिफेंटा गुफाएं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है, तो भगवान शिव को है। आगे क्वेश्चन है, एहोल शिलालेख डैश शासकों से जुड़े हुए हैं, तो ये पुलकेशिन द्वितीय से है। आगे क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है, तो वह है दोस्तों बौद्ध। आई क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं डैश राज्य में, तो यह दोस्तों है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में स्थित है, तो वह है औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी, तो दूसरी सदी ईसा पूर्व थी। अगला क्वेश्चन, एलोरा के मंदिरों का निर्माण डैश ने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। वीरदेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों, तंजावुर में है। वीरदेश्वर मंदिर राजा डैश को द्वारा बनाया गया था, तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। आई क्वेश्चन है, केबरी देश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, तो चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर डैश ने बनवाया था, डैश से बनाया गया था, तो ये ग्रेनाइट से बनाया गया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, तो अनंत वर्मन चोट गंग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है कहाँ, गुजरात में है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर में भारत में डैश के पश्चिमी तट प्रसिद्ध है, तो गुजरात के। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है, वो दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर डैश देवी देवताओं को समर्पित है, तो आदिनाथ। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर है।
मध्य प्रदेश में स्थित वैशेषिक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए? पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए। भीमबेटका गुफाएं डैस पुरानी मानी जाती है, 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफाएं स्थित है तो मध्य प्रदेश में है। हरमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण डैस द्वारा कराया गया था, तो रुद्रदेव के द्वारा। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम के सभी अतिनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगता है और न ही संचारित होता है। वह जो है वो किस धातु से बनाया गया है? तो लोह धातु से। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार में है दोस्तों। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक कहाँ स्थित है? बिहार में है। दैस राजा ने गंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था, राजेंद्र चोला प्रथम ने। डैस की खुदाई राजा खारवेल द्वारा कराई गई थी, खंडगिरी गुफाओं का। डैस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो होयसल। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया, तो पल्लवों के द्वारा। सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो महाबलीपुरम में। चलिए आगे क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के शासनकाल में। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैस माना जाता है, तो उड़ीसा को। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैस के साम्राज्य में समृद्ध हुआ, तो कुषाण। श्रवण बिलगुला कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, तो उदयगिरी गुफा विदिशा में जो है। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है, तो वह चंद्र। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे नाग से। एलोरा में गुफाएं और सैलकृत मंदिर है हिंदुओं बौद्ध और जैनों के। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं दोस्तों महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो मदुरई में है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था तो नरसिंह वर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था तो पल्लवों के द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है तो कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, यह वह केंद्र है तो कन्हेरी है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो वह कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है तो भारतीय और यूनानी कला का है दोस्तों।